लो भाई चला मैं फिलीपींस। फिलीपींस का वीजा कैसा लग रहा है ये वीडियो आपने देख ही लिया। सो फाइनली बाय बाय। यार अब जो है ना ऐसी आदत पड़ गई कि अगर 5-7 दिन फ्लैट का खाना ना मिले ना तो रियली यार उसकी मुझे याद आना जाती है। तो मैं कई बार अपने रूम में ना फ्लैट वाला फील लेता हूँ। खैर देखो थाई एयरवेज का खाना। सो फाइनली मैं पहुंच गया मनीला एयरपोर्ट। यहाँ दिल्ली से बैंकॉक, बैंकॉक में 5 घंटे का स्टॉपेज, फिर मनीला थी। तो पहुंच चुका हूँ मनीला। यहाँ देखो कुछ भी चेक नहीं हुआ। फ्लाइट से डी बोर्ड होते ही इन्होंने ये हर जगह ना अभी हाल फिलहाल एस पास या जो हेल्थ पास है वो मांग रहे हैं। एक जगह इन्होंने मेरे से कोविड नेगेटिव मांगा था। बस यहाँ से मैं सीधा होटल पहुँचा। या इतना थक गया था ना कि बस होटल पहुँचा, फ्रेश व्रेश हुआ, मोबाइल और सब चार्ज वार्ज किए और अब आया हूँ पास में ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ खाना खाने के लिए। मतलब यार खाने की तो कोई प्रॉब्लम ही है, बाकी ठीक है। खाने के साथ में लाइव बैंड मिल रहा है तो जो कुछ मिला वो खा रहा हूँ और गाना सुन रहा हूँ। सो एनी वे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ कैपिटल मनाली के अंदर। तारीख हुई है 20 बोले तो 20 मई। टाइम हुआ तकरीबन सुबह के 9:30 और मैं हूँ अभी अपने अपार्टमेंट के अंदर। ये है सामने MOA मॉल ओवर एशिया, कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा मॉल है ये। और सामने है आपके मनीला। फोर्टींथ फ्लोर पर है हमारा कमरवा। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल ऑफ एशिया। टाइम वही 9:45 के आसपास हुआ है तो शायद खुला होगा नहीं होगा। तो ये सारा बता रही है कि मॉल ऑफ एशिया के अंदर ही एक बहुत अच्छा डोनट स्टोर है और वहाँ लेमन टी अच्छी मिलती है। तो चलो मॉल ऑफ एशिया चलते हैं और कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलेंगे आज रिजाल पार्क जो पास में है। तो आओ चलो चलते हैं। तो अब मैं मिलाता हूँ मेरी स्कूल टाइम फ्रेंड। ये है सारा, ये तकरीबन 25 साल पहले मेरे स्कूल टाइम फ्रेंड हुआ करती थी और आज भी मेरी स्कूल टाइम फ्रेंड ही है। एनीवे ये मिलने आई है अभी, ये फिलिपिनो है। तो बस अभी ये लोकल यहाँ का कुछ घुमाएगी और फिर निकल जाएगी अपने गांव। चलो एक्सप्लोर करते हैं सारा के साथ।
तो हम लोग फाइनली पहुंच गए जेक को डोनट एंड कॉफी सेंटर। ये मॉल ऑफ मनीला के नीचे, मॉल ऑफ एशिया के नीचे बना हुआ है। और यहाँ क्या है ना कि अगर आप कोई भी टी, मतलब थाई टी या लेमन टी लेते हैं, तो उसके साथ आपको ये दो क्लासिकल डोनट्स देंगे। हमने तो एक्स्ट्रा लिए हैं, बस अब ऑर्डर का वेट कर रहे हैं अपना। तो ये है जो क्लासिकल डोनट, जो इसके साथ में फ्री मिला या कॉम्प्लीमेंट्री मिला, और जो हमने लिए थे वो बाद में चट करेंगे। अभी कोई यहाँ तक भीड़ भड़क का नहीं है और टूरिस्ट भी इतने विशेष नहीं मिले थे हमें। बस ये डोनट खा के फिर हम लोग निकलेंगे। अभी यहाँ सब कुछ बंद है, खुला नहीं है, मतलब मार्केट वगैरह सब बंद ही है। सो फाइनली वी आर इन MOA मॉल ऑफ एशिया, राइट? Udo. बस यहाँ से अब हमें मिलेगा जिपनी। जिपनी यहाँ का एक लंबा सा ऑटो टाइप का रहता है। ये है हम लोग यहाँ बैठ गए जिपनी में। यहाँ का ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन है और मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं जिपनी। यार बड़ी सही चलती है ये, मतलब स्पीड बहुत अच्छी है इनकी। ये है जिपनी, मतलब अगर आप फिलीपींस में आओ, स्पेशली अगर मनीला के अंदर हैं और आप जिपनी में नहीं बैठे ना, तो समझ लो आपका फिलीपींस का ट्रिप अधूरा है। लैंग्वेज की यहाँ विशेष प्रॉब्लम, और ट्रैफिक रूल्स अपने इंडिया जैसे ही हैं यहाँ पे भी। ये है जिपनी, काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं इस गंदे के साथ में। और हम लोग जा रहे हैं अभी मॉल ऑफ सॉरी रिजाल पार्क। मतलब पैसे देने का क्या सीन है, मतलब टिकट कटवाने का क्या सीन है, कि आप आगे से आगे पास करते रहेंगे और एट लास्ट जो उसके पास बैठा होगा वो पैसे सबको इकट्ठे करके उसको दे देगा, और वहाँ से अगर कुछ कैश रिफंड आएगा तो ऐसे ही वाया वाया के पास में आएगा। खैर देखो, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है यार, और अपने आप में मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं। जनरली ये लोग इंटरफेयर नहीं करते आपके मैटर्स में, तो यार आप भी बेटर है कि मत कीजिए, इनको अपनी लाइफ जीने दीजिए। आप अपनी लाइफ जिए, यहाँ आइए, घूमें फिरिए, जो आपको करना है कीजिए और यहाँ से निकल जाइए। मास्क यहाँ पे मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की प्रैक्टिस है कि ये लोग मास्क लगाते हैं। तो जिपनी ने हमें उतार दिया रिजार पार्क की एंट्री के बाहर। हम लोग पीछे गए थे लेकिन वो गेट शायद कंस्ट्रक्शन वजह से बंद कर रखा है, तो हमें बोला गया कि पीछे आगे से घूम के दूसरे गेट पे जाइए। तो बस हम लोग वही दूसरा गेट ढूंढ रहे हैं। मौसम अच्छा है और बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो कुल मिलाकर सुहाना मौसम। और फाइनली हम पहुंच गए रिजाल पार्क। यहाँ का बड़ा जॉगर्स पार्क है और यहाँ पे एक चाइनीज़ मंदिर वगैरह भी है, तो वो देखेंगे। बस ये वीडियो करते हैं हम ख़त्म यहाँ। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे रिजाल पार्क अंदर से, और कुछ दो तीन चीज़ें अंदर है रिजाल पार्क में, वो आपको